हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो भाई कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो ऐसे ठीक हूँ, बस अब तो मतलब आदत सा हो गया, आज ये कल वो सब मतलब एक आदत सा हो गया। अरे चलो, ये तो नॉर्मल ही है। तो क्या होता है, एक चीज़ आदत सी हो जाती है तो फिर पता ही नहीं चलता, अरे चलो जो हो रहा है हो रहा है, मैं तो ठीक ही हूँ, बस मूवमेंट पे ध्यान देना है। हाँ, मूवमेंट तो हो रहा है, बाकी सब ठीक है। तो वही आज मैं आप लोग से ये शेयर करना चाहूँगी। बीच बीच में मूवमेंट गायब हो जाता है तो क्या क्यों होता है? कई बार जो होता है डर जाते हैं कि मूवमेंट तो हो रहा था सुबह, अभी क्यों नहीं है। तो ये ज़्यादातर है, अगर यही मूवमेंट गायब हो जाता है 3-4 घंटा के लिए आपका लास्ट आई थिंक 34 वीक के बाद, तब तो फिर टेंशन लेने वाली बात हो जाती है। 32 या 34 वीक के बाद अगर ये सब होता है तो फिर टेंशन वाली बात हो जाती है। अगर ये जो है ईयरली स्टेज में होता है मूवमेंट, जैसे मूवमेंट फील अभी हुआ आपको 20 वीक में, फिर 30 वीक तक ही अगर ऐसा होता है मूवमेंट गायब हो जाता है 2-3 घंटा के लिए या एक दिन के लिए भी 4-5 घंटा के लिए, देन इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि ये होते ही रहता है। अगर आपको ज़्यादा परेशान लगे कि हाँ 4-5 घंटा हो गया है मूवमेंट नहीं हुआ है, तो फिर आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, फिर कुछ मीठा खा लीजिए या फिर म्यूजिक सुनिए। ये सब चीज़ करने से कहीं ना कहीं अगर ये सब करते हैं तो मूवमेंट होगा, थोड़ा बहुत तो फील होगा। तो अगर आपको लगे, जैसे कल मुझे ऐसा फील हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कल 3:30 के बाद से 7 बजे तक मेरा मूवमेंट कुछ नहीं फील हो रहा था। मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगा कि अरे मूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर मैं पूरा सो के ऐसे फील करने लगी। 7:30 बजे का बाद ही थोड़ा मूवमेंट हुआ, तभी जाके दिल को सुकून मिला, अरे चलो सब कुछ ठीक है। कहीं ना कहीं मैं भी कल थोड़ा स्ट्रेस में आ गई थी, अरे 4 घंटा हो गया मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल चीज़ें फिर नॉर्मल ही था। हाँ, और एक चीज़ होता है, आज ज़्यादा मूवमेंट होता है कल थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा भी होता है। एक एक दिन बहुत अच्छा मूवमेंट होता है नेक्स्ट डे, या फिर बीच बीच में एक एक दिन बहुत कम ही मूवमेंट होता है। अगर आपको भी ये सब हो रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं तो टेंशन में आ गई थी कल, बट पता था मुझे कहीं ना कहीं ये सब नॉर्मल चीज़ें, फिर भी थोड़ा सा आ जाता है माइंड में। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप टेंशन फ्री होकर रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। अगर यही लास्ट वीक में होता है देन टेंशन लेने वाली बात होती है, उस टाइम आपको मूवमेंट काउंट करना रहता है, अभी तो नॉर्मल ही है। तो गाइस, अगर आज का ये ब्लॉग सब लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच।